हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, बात करेंगे जिंगो बिलोवा के बारे में। ये ड्रग कब चलता है, कैसे काम करता है, किन किन समस्याओं में देना, क्या सावधानी रखनी है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ क्या जिंगो बिलोवा, हो सकता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। तो जिंगो बिलोवा क्या है, पहले समझो कि भाई ये एक नेचुरल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला केमिकल है। नेचुरल प्लांट से ही मिलता है ये। एक प्लांट होता है, चाइना में पाया जाता है, उससे प्लांट को उसके उस पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सुखाकर उसके ड्राइड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है जिंगोफ्लेविन ग्लाइकोसाइड। बट इसी जिंगोफ्लेविन ग्लाइकोसाइड का इस्तेमाल टैबलेट्स और कैप्सूल वगैरह बना के इसको यूज़ किया जाता है मेडिकली। तो होता क्या, मार्केट में कई तरह के ब्रांड्स आते हैं, विलोवास आता है, गैरीफ्लुविसन आता है, जिंकोवा आता है, जिनवास आता है, और जिंकोवा ज़्यादा फेमस है, FDC कंपनी का चलता है। तो ये 40 मिलीग्राम का टैबलेट आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। ये एक प्रकार का सेरेब्रल एक्टिवेटर होता है। अब इसको अपन समझेंगे, आप इतना समझो कि ये इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जिंकोवा बिलोवा जो कि एक नेचुरल एक्सट्रैक्टेड ड्रग है, ये बेसिकली क्या हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हर एक मेंटल कंडीशन में चलाया जा सकता है। किसी को नींद नहीं आती है, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी चला सकते हैं। पार्किंसन डिजीज है किसी को, उसको भी दे सकते हैं। साथ ही किसी को सोशली एक्टिव नहीं है व्यक्ति, उसको व्यवहार नहीं है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, उसके मेंटली प्रॉब्लम है, उसमें भी चला सकते हैं। डिजीनेस है, चक्कर बना रहता है आदमी को 24 घंटे, उसमें भी, या कानों में आवाज़ आती है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी इसको चलाया जा सकता है। दिमाग से संबंधित हर समस्या में चलाया जा सकता है, लेकिन इसका मेनली इस्तेमाल लॉस ऑफ मेमोरी में किया जाता है। कि भाई अगर किसी को बढ़ती ही उम्र के साथ याददाश्त भूलने की, याददाश्त नहीं है उसकी इतनी अच्छी, भूल जाता है हर एक चीज़ को, वहाँ पे इसको चलाया जाएगा। बात आती है कि डॉक्टर इसको चलाएगा ही क्यों, बिलोवा, जिंको बिलोवा को क्यों लिखेगा। देखो, बहुत सारी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ आती हैं, सारे डिप्स आते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं, बट वो क्या होती हैं, एलोपैथिक होती हैं, केमिकल होते हैं, वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं और उनका लॉन्ग टर्म उनका बेनिफिट नहीं होता, या उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। फिर कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट हो या मेंटल डॉक्टर हो जो कि मेंटल समस्याओं को देखता है, वो इसको फिर स्विच करता है कि इसको भी एक बार ट्राई करता है जिंको बिलोवा के बारे में, जिंको बिलोवा को भी एक बार ट्राई करके देखता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये काम कैसे करता है। देखो, जो जिंको बिलोवा है, हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रल हिस्सा होता है, सेरेब्रल पार्ट, उसको एक्टिवेट करता है। क्या होता है कि हाइपोक्सिक ब्रेन एरिया में ये सर्कुलेशन को बढ़ाता है। होता क्या है कि एक बढ़ती उम्र के साथ ब्रेन के हर पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ के न्यूरॉन्स इतना फंक्शनली एक्टिव नहीं होते। तो फिर आदमी क्या होता है, उसको याददाश्त वगैरह या कुछ भूल जाता है चीज़ें, या कुछ भी हरकत करता है। तो ये सेरेब्रल हिस्से में जाके हाइपोक्सिक एरिया में, हाइपोक्सिक मतलब कि ऑक्सीजन की कमी, वहाँ पर सर्कुलेशन को बढ़ाता है और फिर ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है। इससे क्या होता है, सेरेब्रल एरिया एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। बात करें दोस्तों कि और ये क्या काम कर सकता है, तो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकता है। मतलब कि कई बार क्या होता है, प्लेटलेट्स का गुच्छा बन जाता है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसको भी ये मेंटेन कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि ओल्ड एज में सेफ है या नहीं। तो ओल्ड एज में पूरी तरीके से सेफ है, बूढ़े लोगों में इसको दिया जा सकता है, लेकिन किसको नहीं देना, बच्चों को नहीं देना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं देना है, ठीक है। और इसके अलावा भी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए कि भाई जिंको बिलोवा कहाँ नहीं देना बिल्कुल भी, तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को ऐसा खतरा है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है, तो उनको नहीं देना है। हाइपर सेंसिटिविटी है, कोई भी व्यक्ति है जिसको कुछ भी दवाई दो उसको एलर्जी हो जाती है, तो उसको नहीं देना, यह सीधी सी बात है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना। लैक्टेशन में क्या है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, बट हाँ, डॉक्टर की सलाह से दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देना है। लैक्टेशन मतलब जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक, उनको नहीं देना, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी देना, और शराब के साथ नहीं देना। बात करें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, कि क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो मतली आ सकती है, नौजिया सा ऐसा जी में चलाने लगेगा, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ज़्यादा लेते हैं तो। कभी कभी कई कई लोगों में स्टोमक अपसेट होता है, तो उस वजह से उनको ऐसा लगता है छाती में भी दर्द होने लगता है, ठीक है, हार्ट बर्न जैसा फील हो सकता है। और अगर इसका आप ओवरडोज ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेगा। ओवरडोज अगर ले लेता है कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक प्रकार का एक टॉक्सिक प्लांट होता है ये जिंको बिलोवा, ठीक है। तो यही है, अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल कि इसका डोज क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, कई तरह की
एलोपैथिक दवाइयाँ चला ली हैं, अब आप स्विच करना चाह रहे हैं तो डोज क्या होगा? तो एडल्ट्स का डोज जो होता है दोस्तों, 40 मिलीग्राम का टैबलेट आप दे सकते हैं दिन में 3 बार, 40 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। इस तरह से नींद भी अच्छी आएगी, उसको जो भूलने की समस्या है वो भी धीरे धीरे ठीक होगी। कम से कम 1 महीने देना है, इफेक्ट कितने दिन में देखने लगेगा? लगभग लगभग 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, महीना भर लग सकता है, और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए 3 महीने तक इसको चलाया जा सकता है। तो क्या होगा, आदमी की याददाश्त वापस आएगी, सोशली एक्टिव हो जाएगा आदमी, उसको नींद अच्छी आने लगेगी, पार्किंसन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मेंटल प्रॉब्लम्स को ही दूर कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जिंगो बिलोबा क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इससे आपको क्या होगा कि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।